तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप फोर के बारे में, पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप नंबर फोर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे टाइप फोर इज दैट टाइप इन विच द डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। देखिए, यहाँ पे टाइप नंबर फोर में क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो क्या होंगे, वो हमारे पास रिपीटेड आ जाएंगे। जिस तरह ये है टू, इस तरह थ्री भी आ सकता है, फोर भी, और ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, नॉन रिपीटेड भी है। और ये हमारे पास देखिए यहाँ पे, ये हमारे पास अगर ये टू मिटा दें तो ये टाइप नंबर थ्री बन जाता है, लेकिन अगर टू लिख के तो ये हमारे पास बन जाता है टाइप नंबर फोर। तो सॉल्यूशंस में हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर इज इक्वल टू। देखिए, हमारे पास है नॉन लीनियर, नॉन रिपीटेड, सो एड डिवाइड बाय एक्स माइनस वन, ये क्वाड्रेटिक और ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक, सो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, सो बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये रिपीटेड की लिया गया सी ए बी सी डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर से दिस इज इक्वेशन। अब वो ये टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो देखिए, आप भी एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइड एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, सो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए डिवाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, सो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, और लास्ट में इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, सो प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होलो स्क्वेयर। अब देखिए, यहाँ पे ये इसके साथ कैंसल हो, ये वन इसके साथ कैंसल, ये एक्स माइनस वन इसके साथ कैंसल, और ये दोनों टर्म यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन होल स्क्वेयर इंटू ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी, सो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस ई, सो डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस वन से दिस इज इक्वेशन वन। चलिए, यहाँ पे हमने फाइंड करना है ए बी सी डी और ई की वैल्यू, फिर ओ वैल्यूज हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सो एक्स स्क्वेयर प्लस
प्लस थ्री इज इक्वल टू ए, चाहिए फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो एक्स क्यूब एक्स को वन के साथ, सो प्लस एक्स, वन को एक्स स्क्वायर के साथ, सो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन को वन के साथ, सो माइनस वन। अच्छा इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई करें डी एक्स को बी एक्स माइनस वन के साथ लिख के, और लास्ट में प्लस ई को बी लिख के एक्स माइनस वन। अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू ए, टू टू जा फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर, सो प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स, बी एक्स के साथ ये सब टर्म्स लिखे, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस सी, सी के साथ अगेन ये टर्म लिखे, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस डी, एक्स को मल्टीप्लाई करें, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सो ई एक्स माइनस ए। चलिए कि यहाँ पे अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट में हम कॉमन ले लेंगे, सो ए एक्स फोर, फिर ए को इसके साथ, सो टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करें, सो एक्स फोर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सी को मल्टीप्लाई करें, सो सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी, डी को मल्टीप्लाई करें, सो डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ए। अच्छा फिर क्या कर ले, अब इसको भी मल्टीप्लाई करें और फिर हम कंबाइन करेंगे सेम टर्म्स को, फिर हम इससे कॉमन लेंगे, सो टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स फोर बी एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। अच्छा देखिए यहाँ पे अब हम इसको कंबाइन करेंगे सेम टर्म्स को, मीन्स ए एक्स फोर के साथ बी एक्स फोर लिखेंगे, सो कंबाइन, सो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू ए एक्स फोर प्लस बी एक्स फोर, फिर क्यूब वाला लिखिए, क्यूब वाला हमारे पास एक ये टर्म है एक ये वाला सी है, सो माइनस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, फिर लिख के स्क्वायर वाला, सो टू ए एक्स स्क्वायर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाला लिख के, एक्स वाला है यहाँ पे देखे माइनस बी एक्स फिर प्लस सी एक्स माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स, और लास्ट में लिख के कांस्टेंट, सो ए
माइनस सी, सो प्लस ए माइनस सी, लास्ट में लिख के माइनस ई। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 टर्म्स है। सो 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सीधा कि यहाँ पे अब वो यहाँ से कॉमन ले ले, सो ए प्लस बी इन टू एक्स फोर माइनस बी प्लस सी इन टू एक्स क्यू प्लस 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इंटू एक्स, और लास्ट में लिख के प्लस ए माइनस सी माइनस ई। चलेगी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स, एक्स भी नहीं है, प्लस थ्री, एक क्यूब भी नहीं है, सो क्यूब की जगह मैंने लिखा ये, और फोर भी नहीं है, एक्स फोर की जगह भी मैंने लिखा जीरो एक्स फोर। अब वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड, इससे हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर करें, ए प्लस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स फोर, यहाँ पे जीरो, माइनस बी प्लस सी यहाँ पे जीरो, 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी यहाँ पे 1, एक्स स्क्वायर का, इसी तरह x का कोफिशिएंट यहाँ पे 0, ये कांस्टेंट टर्म है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गए, देखिए यहाँ पे अब इसी इक्वेशन नंबर 1 में लीनियर फैक्टर हमारे पास है x माइनस 1, सो इसको 0 पुट करें, सो x माइनस 1 इज 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज 1, और ये सिंप्लीफाई कर ले तो ये भी 0, ये टर्म भी जीरो, और ये टर्म भी जीरो, हमारे पास सिंपल ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसको 1 यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू, बी यहाँ पे पुट करें हमारे पास सी की वैल्यू। अब वो यहाँ पे ए माइनस सी माइनस ई की जगह ए और सी की वैल्यू पुट करें तो ये मैंने सिंप्लीफाई किया है, ए की वैल्यू हमने फाइंड की। इसी तरह आप इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा डी की वैल्यू। अब इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर बी में पुट करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप इक्वेशन नंबर बी को, अच्छा आप इन तमाम वैल्यूज को इसी इक्वेशन नंबर पी में पुट करें, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू माइनस 1, सी की वैल्यू बी माइनस 1, डी की वैल्यू बी माइनस 1, और ई की वैल्यू माइनस 1, सो ए विच इज 1 बाई एक्स माइनस 1, बी की वैल्यू माइनस 1 एक्स, सी की वैल्यू माइनस 1। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले ले तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसी तरह यहाँ पर भी ये माइनस 1 मैंने कॉमन लिया है तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, देखिए यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इन टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये माइनस है, सो माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अब इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।